अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, आपने रिएक्शन एंड तक वॉच ज़रूर करना है। और हाँ, सबसे पहले आज हमारे जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे जितने भी इंडियन भले से हेटर भी सुन रहे हों, उन सबको भी और मेरे तमाम फ्रेंड्स को जो मेरे ऑडियंस हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया से, उन सबको आज उनका इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। आज 15 अगस्त है और आज इंडिया में जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। दोस्तों, कल हमने डीडी की लाइव तो नहीं दिखा, डीडी के रिएक्शन में फरीहा के भाई की वॉइस यानी कि डीडी के मामू की वॉइस सुनी है। वो बंदा उस वॉइस में फरीहा से बिल्कुल नाला दिखाई दे रहा है। उसका कहना ये है, उस वॉइस में आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं, वहाँ वो बंदा ये कह रहा है कि जब भी कभी, उसने मेरे ख्याल है रुबीना या नीनू को ये वॉइस सेंड की है, और उसने कहा है कि जब भी कभी आइंदा ऐसा कोई मामला हो तुम लोगों का फरीहा के साथ, तो मुझे पहले बता दिया करो, मैं घर से ही निकल जाया करूँगा। एक नंबर का ढीठ और बेगैरत लगा है मुझे इस बात के ऊपर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये दुम दबाकर ईद पर भी चला गया था, और फरीहा का कहना ये था कि हमें घर में, या अब्बू को, हाँ वो कह रही थी अब्बू को नहीं बता कर गया, अचानक से उठ कर गया है। वो चाहता ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ रहना। आई थिंक ना वो अपने बाप को पसंद करता है, ना वो अपनी बहन को पसंद करता है, ना वो अपनी माँ को पसंद करता है। अच्छा, बहुत सी ये जो न्यू जनरेशन है, इनसे इनका हमेशा से, अब मतलब अब जो अक्सर न्यू जनरेशन है, उनका ये एक तरह से मैं कहूँगी कि उनका ये ज़हनियत ही उनकी ऐसी बन गई, मैंटेलिटी उनकी ऐसी बन गई है कि वो जब ज़माने की गर्दिशों को देखते हैं ना, मुश्किलात को देखते हैं, तो उन्हें अपने घर के जो साथ के अफराद हैं वो फालतू, बेकार और जो है वो फजूल लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ वो ये भूल जाते हैं, उनका मतलब ये होता है कि हम इन्हें छोड़ दें, से आज़ाद हो जाएं तो शायद हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लें। यहाँ वो ये भूल जाते हैं कि हम ज़िंदगी में अगर कुछ करने के काबिल हुए तो इन सब की मेहनत से हुए, जिसमें बाप की जो है वो मेहनत है, बाप ने कमा कर लाया, माँ कमा रही है उसकी, तो उसकी बहन भी लगी हुई कमा रही है, स्टडीज़ उसको करवाई हैं, उसको छत प्रोवाइड की है, उसको खाना प्रोवाइड किया है। ठीक है, ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, हाँ ये चीज़ उन लोगों ने की है कि मियाँ बीवी दोनों ही कमाइयों पे लगे रहे हैं और बच्चों को इतना खलंडर छोड़ दिया, इनकी सही से तरबियत नहीं हुई, वो मैं वाज़े तौर पे बता दूँ। वहीं पर अगर बाकी लोगों को देखा जाए, जो और पेरेंट्स होते हैं वो तरबियत पे भी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर रुबीना की औलाद में और रुबीना की माँ, सौतेली माँ जो है फरीहा की, यानी कि माँ यानी फरीहा की माँ के औलाद, फरीहा और उसका भाई, इनकी तरबियत में और रुबीना के बच्चों की तरबियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, थोड़े से जो है वो इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा बोल लेते हैं, वरना एक ही जैसे हैं, सारे गए गुजरे हैं। इस बंदे की वॉइस मुझे यहाँ पर बहुत बुरी लगी, उसकी बहन के लिए जो उसने कहा, क्यों कि घर पर कोई भी धावा बोल दे, कोई भी चढ़ाई कर ले, मेरी बहन वहाँ पर बैठी हो अकेली। गलती फरीहा की भी है, ठीक है, लेकिन अपनों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। दूसरी चीज़, ठीक है वो अपने रिश्ते को लेकर चले, उसकी बहन है, उसको फरीहा में गलती दिखती है, ये इनसे कहता आप खुद आती, ये रुबीना से कहता आप खुद आती हमारे घर, लेकिन दोस्तों पता नहीं ये कैसे लोग हैं, ये इनका क्राइटेरिया है कि ये अपनी औरतों को या तो बिल्कुल ही खुली छुट्टी दे देते हैं या मुंह छुपा के भाग जाते हैं। जैसे इसने वॉइस में कहा कि आइंदा ऐसी कोई बात हो तो मुझे बताना, मैं खुद ही मुंह छुपा कर भाग जाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं डीडी की भी करूँगी कि डीडी जो है उसकी ये चीज़ें मुझे, उसकी ये बातें मुझे बुरी लगी कि उसने फरीहा के लिए ये बात बोली कि ये पार्क में होती और होती है, मतलब पार्क में थी और पुलिस आई थी, ये किसके साथ थी, इससे पूछो ये क्या कर रही थी, ये दुपट्टा छोड़कर भागी। ये वॉइस मैंने डीडी की खुद नहीं सुनी है, लेकिन इस वॉइस के ऊपर डीडी ने खुद बात की है कि भाई ये कहती है कि कौन से पार्क में पुलिस आती है, जी पार्कों में पुलिस आती है, दुपट्टा छोड़ के क्यों भागूंगी, तो इसको पता होगा क्यों भागी। अच्छा, यही मैंने फिर फरीहा के चैनल पर सुना, फरीहा कह रही थी ये कह रहा है कि पार्क जाती है, तो मैं कौन से पार्क जाती हूँ, मैं तो पार्क जाती ही नहीं। तो खैर, खाला के लिए, ठीक है, खाला कौन होती है, भले से उम्र में वो तुमसे छोटी हो लेकिन वो हक में, रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तो तुम्हें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था। और दूसरी बात यही लग जाती है, ठीक है उसने कमकली की होगी, पहले जो है उसकी बात लगी होगी, लेकिन उस मामले में अगर उसने टांग अड़ाई थी तो उसने गलती की, जब इसकी और फटी आँखों वाली की, दिलबर और फटी आँखों वाली का आपस में टाकरा शुरू हुआ था, तो फरीहा को बीच में नहीं आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी दिलबर ने गलती की थी कि उसकी माँ पर बात की। और इस बार जब फरीहा ने बात की तो यहाँ पर भी दिलबर गलत था कि दिलबर
की माँ जो है वो और फरीहा बहनें हैं, ठीक है, बहनें हैं, वो एक दूसरे पर बात कर सकती हैं। यहाँ पर डीडी का ये तुक नहीं बनता था कि वो अपनी खाला को ये भी कहे कि मैं उठवा लूँगा तुम्हें, या वो ये कहे कि पार्क में दुपट्टा छोड़ के भाग गई थी। एक ही जैसे हैं इनके मर्द भी, ना औरतों वाली मेंटेलिटी के हैं। जब इसकी खाला जो है वो सऊदीया वाली जो केस लेकर आई थी, तब भी मेरा दिल था कि इनके घर का कोई मर्द जाकर उसको वो क्या कहते हैं ज़ोरदार 4-5 झांपड़ क्यों नहीं लगा देता कि उसकी होश ठिकाने आ जाए, उसका दिमाग रोशन हो जाए। उसका तो शौहर भी भड़वा था ना, उसके शौहर ने तो अगर कोई भड़वागिरी की भी है, कोई गुनाह किया भी है, उसके बाद वो बेगैरत होकर वाइटी पर बैठा हुआ, या तो तुम गुनाह करते नहीं, या मुँह काला किया तो फिर पूरा करते, बोलते हाँ हूँ, नहीं रहता तुम्हारे साथ, जिसके साथ मुँह काला किया था उसी के साथ जाकर रहूँगा। तो पता चलता मुआशरे में ये चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन इन लोगों के हाँ ये चीज़ है कि इनके मर्द भी एक दूसरे के यार निकालते हैं। तुम फलां जगह दुपट्टा छोड़ के भाग गई थी, तुम फलां जगह जो है वो डैश छोड़ के भाग गई थी। तो शर्म का मुकाम है कि एक भांजा उठ के खाला को ये कह रहा है। खाला तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही तो उसके भाई को बोलो, भाई आऊँगा उसके मुँह पर दो लगाऊँगा, ठीक है। पब्लिक में बैठना और इस किस्म की जनानियों वाली बातें करना, खैर दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, या तो शायद इनकी औरतें किसी तरीके से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि इनके घर में खुली छुट्टी है। अब नीनू जो है वो कंट्रोल से बाहर है। क्यों कंट्रोल से बाहर है? क्योंकि इनके मर्द ही ऐसे हैं, इनके मर्द ही ऐसे हैं, और उनको ये लगता है कि हम ज़बानी कलामी इनके साथ जंग लड़ते रहेंगे। तो औरत तो ज़बान की सबसे बेवकूफ़, मतलब औरत में तो अकल नहीं होती, वो तो ज़बान से क्या क्या बकवास करेगी। लेकिन इनके मर्दों की मैंटेलिटी देखिए कि वो भी एक औरत ही हैं, वो एक दूसरे के बस पुराने जो गुजरे हुए वाक़ियात होंगे, जो उनकी मिस्टेक्स होंगी वो उनको याद दिलाएंगे, बाकी ये नहीं बताएंगे कि हम मर्द हैं, हमारी क्या मर्दानगी है, हम तुम्हारे जो हैं वो वारिस हैं और हम तुम्हारे मुंह पर दो लगा सकते हैं। अगर इसी तरह दिलबर ने कभी जो है वो नीनू को सुधार के रखा होता तो आज इनका पूरा ख़ानदान वाइटी पर नंगा ना हुआ होता। ये जितना भी सितारा को सपोर्ट कर ले, जितना भी सदमा के ख़िलाफ़ बोल ले, जब तक ये नीनू को पट्टा नहीं डालेंगे इनके ख़ानदान की तो उतर ही गई है, रह कितनी सी गई है। बाकी इन बहन भाइयों की उतरना रहती है, सितारा की तो उन्होंने पता नहीं कितनी उतार दी, सलमा की भी अच्छी खासी उतरी हुई, उसकी बेटी की भी उतार दी, अब ये खुद रहते हैं। खैर इसकी बहन की भी अच्छी खासी उतर गई, ये भाई रहते हैं थोड़े अरसे में, इनकी भी उतरी जाएगी। और डीडी साहब कल गिला कर रहे थे कि सपोर्टर्स ने जो है वो मेरे लिए दुआ तक नहीं की और मैं बीमार हूँ ये वो। तो मेरे ख्याल से मैंने तो इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसकी शिफा के लिए दुआ की थी, और बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट सेक्शन में आमीन भी किया था। जिस जिसने वो रिएक्शन मेरा सुना होगा उनको याद होगा, हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे याद आई इस बात से कि कल जो है फटी आँखों वाली के एक्सीडेंट के ऊपर डीडी ने बात की, और फटी आँखों वाला उसकी शिफा के लिए दुआएँ कर रहा था, अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, फटी आँखों वाली के लिए डीडी कह रहा था कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, तो तुम्हारी कहता हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इसलिए हम ऐसी बात नहीं कहेंगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा है ये है वो। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम लोगों की ज़ाती दुश्मनी नहीं है तो फिर वाइटी पर रिएक्शन देने क्यों आते हो? हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो तुम लोगों के व्लॉग देखेंगे, तुम्हारी जो है वो बखाने देखेंगे, तो हम तो कुछ ना कुछ आकर यहाँ बोलेंगे, ठीक है, जो हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ हमें तुम्हारी गलती दिखेगी हम आकर बोलेंगे। तुम लोग तो व्लॉगर हो और तुम लोग आपस में लड़ते हो, तो आपस में फिर क्यों लड़ते हो जब तुम्हारी ज़ाती दुश्मनियाँ हैं ही नहीं? इसका मतलब है कि तुम लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लड़ते हो, तुम लोग खुद इस चीज़ के लिए लड़ते हो कि चल भाई तुझे भी व्यूज़ पड़ रहे हैं, मुझे भी व्यूज़ पड़ रहे हैं, अंदर खाने कहते हो कि कुछ नहीं होता, मैं भी जो है फ़लाँ लिमिट नहीं क्रॉस करूँगा, तुम भी नहीं क्रॉस करना, तुम्हें भी व्यूज आएंगे, मुझे भी आएंगे, तुम्हारा दाल दलिया भी चलेगा, हमारा भी चलेगा, अकेले सितारा का क्यों चले? जी दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि रियलिटी इनकी यही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ज़ाती दुश्मनी नहीं है, तुम लोग रिश्तेदार हो, रिश्तेदार हो तो ज़ातियात पे उतरते क्यों हो? जब ज़ाती दुश्मनी नहीं है फिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके लिए तुम वाइटी पर आकर एक दूसरे के बारे में यहाँ ये तक कह देते हो कि दुपट्टा छोड़ के भाग गई, फलां कमरे में क्या कर रही थी, फलां के साथ सूटे लगा रही थी, वहाँ उस रात क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं जहाँ तुम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अपने ख़ानदान की औरतों से पल्लू हटा हटा के उनको नंगा कर करके दिखा रहे होते हो? वो ज़ाती दुश्मनी नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर व्यूज़ होते हैं, डॉलर्स होते हैं, क्या होता है सोचने की बात। इसके अलावा दोस्तों सितारा जो है वो इसके साथ बहरिया टाउन गई, हमने सितारा के व्लॉग में भी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा तो मुझे बताइएगा, और इसका भी जो व्लॉग था उसमें भी हमने नहीं देखा कि सितारा जो है वो बहरिया टाउन गई है। इसने कल अपनी वीडियो में बताया था कि सितारा को लेकर ये बहरिया टाउन गया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने भी सवाल किया कि सितारा बहरिया टाउन क्यों जा रही है? सितारा जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रही थी, हो सकता है सितारा का वहाँ कोई इरादा ना बना हो और वो अपने ही सिटी के बहरिया टाउन में घर ढूंढ रही हो,
क्योंकि ऐसे बगैर किसी की वीडियो में आकर बहरिया टाउन जाना और डीडी का बताना तो फिर किसी काम से ही गई होगी। अगर किसी की वीडियो में, मतलब उसकी अपनी वीडियो में अगर आपने देखा है तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा जनाब, एक स्टाइल की तो मैं दीवानी हो गई बिल्कुल जनाब, उस स्टाइल की मैं दीवानी हो गई हूँ। और किस किस ने वो स्टाइल नोटिस किया है वो ज़रूर मुझे बताइएगा, उस पर भी बात करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि ये बंदी जो है नीनू, ये कहती है कि मैंने प्रैंक किया। असल में इसने एक्सीडेंट का प्रैंक श्रैंक नहीं किया था, ये सच में ही ऐसे करके घर गई थी और इसका इरादा यही था कि ये पब्लिक में आकर, क्योंकि इसने कम्युनिटी पोस्ट की, ठीक है, इसने कम्युनिटी लगा दी, इसका इरादा यही था कि ये दुनिया को यही कहेगी कि इसके साथ जो है वो फरीहा की वजह से हुआ है। और जब इसे पता लगा कि लोगों ने रिएक्शन बना दिए, हम सब ने रिएक्शन बनाए कि ड्रामा स्टार्ट हो गया, लोगों ने कॉमेंट्स भी कर दिए कि ड्रामा कर रही हो तुम हमेशा की तरह, जैसे कि करती है, तो फिर इसने आकर उसको प्रैंक का नाम दिया। उसके अलावा ये कह रही थी, इसकी जो लाइव थी जिसमें बकवासियात कर रही थी, झूठ और ब्लंडर्स मार रही थी, वहाँ ये कह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी का भी मजाक उड़ाया, हालांकि वो प्रेगनेंसी नहीं थी, ये साबित नहीं कर सकी। और इसका, इसकी सास का, इसकी माँ का, सब का ड्रामा हम सब ने देखा था कि वो भी ड्रामा था। ये कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहती है, ये कहती मैं ड्रामा क्रिएट करूँ और लोग समझें कि रियलिटी है। हमेशा तभी इसके साथ कुछ क्यों होता है जब ये किसी और के साथ पंगा लेती है, ये दूसरों के साथ पंगे लेती है और जब मामला ख़राब हो जाता है, इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसको समझ नहीं आती अब मैं क्या करूं, फिर ये कोई ड्रामा क्रिएट करती है कि इतना दुख हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया, ऐसा हो गया कि गोलियां खानी पड़ गई। जैसे कि कल डीडी ने बताया कि जब डीडी के घर में बर्थडे थी पता नहीं किसकी, तो कहता है कि इसने आना नहीं था, माँ को आने नहीं देना था, तो इसने एक्सीडेंट का ड्रामा लगाया था। यानी कि ये हर बार एक ड्रामा क्रिएट करती है। तो ऐसी बंदी अब नेक्स्ट अगर कोई ड्रामा क्रिएट करे तो मेरे ख्याल से उसको अनसब कर दिया जाए, तो क्या ख्याल है? इसके बारे में भी गौर कीजिएगा कि लोगों के, हमारे तो कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो हेटर्स हैं उसे पसंद करते हैं, तो पता नहीं वो उनको क्यों जो है वो काठ का उल्लू बना के रखती है। तो अनसब करना चाहिए ऐसे बंदे को। दूसरी चीज़ हम एक बताऊँगी कि मैं इसके स्टाइल की दीवानी हो गई। जी दोस्तों, आप कहेंगे अरे नीनू के स्टाइल की दीवानी हो गई, हाँ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने कई बार नोटिस किया है कि ये बंदी क्या करती है, जो कि इसका स्टाइल है, ये अपने हाथ से ऐसे हाथ को फेस के ऊपर ले जाके नाक के साथ टच करेगी, नाक पहुँचेगी, हाथ से नाक पहुँचेगी और वही हाथ ऊपर ले जाके अपने बालों में मार देगी, ठीक है, हर बार, हर बार। ये जितनी बार अपना नाक पोंछती है, भले लाइव्स में बैठी हुई हो, भले ये रो धो रही हो, भले ये ज़्यादा खुश हो, ठीक है, जब भी कोई चीज़ इसके ऊपर ज़्यादा हुई भी होती है, वो गम हो या खुशी हो, मतलब एक्साइटमेंट हो इसकी, या इसका रोना धोना हो जिसमें ये बिल्कुल ही डूबी हुई होती है ना, या शदीद दुख में या शदीद खुशी में, उस वक्त इसको नहीं पता चलता होता कि कैमरे के सामने क्या कर रही है, और ये एडिटिंग के वक्त भी उसको कट नहीं करती, हाथ लाएगी, नाक पहुँचेगी और हाथ, वही हाथ ऊपर ले जाते सर में साफ करके वापस आ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ये हाथ लेके जाएगी, फिर नाक पहुँचेगी और वही हाथ ही अपने सर में लेके जाएगी। जनाब, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोग चाहते हैं कि लोग इन्हें आइडलाइज करें, पोछे पे धुले हुए कपड़े डाल के सुखाने वाली, पूरे घर को चंद लम्हों में कबाड़ खाना बनाने वाली, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े घर उजाड़ने वाली, आधी आधी रात को बाहर जाकर सूटे लगाने वाली, ये है नाक पोंछ कर हाथ बालों से साफ करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, ये हम लोगों का क्राइटेरिया है, हम ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। सोचें हम कैसे कैसे चंगण लोगों को देखते हैं, वो हेटर क्या कहते थे, चंगण बरादरी, हम कैसे कैसे चंगण लोगों को देखते हैं। और वाकई यहाँ तक मैं बात ज़रूर सितारा के रिश्तेदारों से, तारा सबसे डिफरेंट है, ठीक है, कीचड़ में भी तो कमल खिलता है ना, तो उससे सितारा सबसे डिफरेंट है, वो कोई भी ऐसी घटिया चीज़ नहीं करती और उससे हम इंस्पायर हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पीस हैं, देखें, और इनके सब्सक्राइबर्स देखें, हाथ से नाक पोंछ के बालों से साफ करने वाली, और सब्सक्राइबर्स देखिए, सिल्वर प्ले बटन है इसके पास। मुझे किसी के बटन से कोई जेलेसी नहीं, अब यहाँ कोई ये ना कहे कि जाजिब जो है उसके बटन से जेलेस हो रही, नो नो नो, बटन हो, टिच बटन हो, काज बटन हो, यहाँ तक कि डायमंड स्टड भी हो,
जाज़िब की जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता। जाज़िब ने अगर ऐसी चीज़ें हासिल करनी होती तो कब की व्लॉगिंग शुरू कर चुकी होती। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से तमर्द और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमामीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।